क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, 16 पे आ जाओ। अच्छा 16 वही है जो मैंने आप लोगों को ये काउंटिंग प्रिंसिपल समझाने के लिए जो पहली एग्जांपल दी थी ना, ये उसी किस्म का सवाल है भाई। कि एक बंदा है जिसके पास 6 कोट है, तो नंबर ऑफ कोट 6। अच्छा नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी शर्ट्स है भाई उसके पास? 7 शर्ट्स है। नंबर ऑफ शर्ट्स 7। नंबर ऑफ 8 पेयर्स ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर लिख देते ना भाई, खत्म करो बात। 8 ठीक है। अच्छा ये पेयर ऑफ ट्राउजर का मतलब दो टांगे होती है ना ट्राउजर की, वो पेयर का मतलब है। तो 8 ट्राउजर है सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा इन हाउ मेनी डेज कैन ही मेक अप अ कंप्लीट सूट ऑफ क्लोथ्स, सिंपल सी बात है, वो कहना चाह रहे हैं कि बताओ आउटफिट कितने बनेंगे, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी। तो नंबर ऑफ सूट्स कितने बन सकते हैं यहाँ पे भाई? वही बात है कि तीन इवेंट्स हैं यहाँ पे। पहला इवेंट जो है इसको आप बोल दो कोर्ट, कोर्ट को सिलेक्ट करने के 6 ऑप्शन है, कोई भी 6 में से एक कोर्ट आप ले लो। दूसरे इवेंट को आप कह लो भाई शर्ट्स, शर्ट्स को चूज करने के कितने तरीके हैं भाई? 7 तरीके, किसी भी 7 में से आप एक शर्ट को ले सकते हो। और ट्राउजर को चूज करने के अगेन कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है। तीनों चीजें आपने एक साथ पहननी है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई करता हूं, 6 × 7 × 8। तो 6 × 7 42 होता है, 42 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 आईएस आएगा। कैलकुलेशन अगर मेरी गलत हो तो आप लोग नीचे कोई कमेंट में लिख देना, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर इतना सामने नहीं है, मैं यूज भी नहीं करता, टाइम बहुत लग जाता है। तो मेरी कैलकुलेशन मुताबिक 376 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 336। तो आपके पास 336 आउटफिट बन सकते हैं। अब आप कहोगे भाई इतनी चीजें हमारे पास हैं, बस 6 कोट है, 7 शर्ट है, 8 ट्राउजर है, 336 कपड़े सूट बन सकते हैं। मतलब आप इन चीजों से 336 दिन, मतलब ऑलमोस्ट एक साल तक अगर आप इनको पहनो ना, तो हर दिन आपकी आउटफिट अलग होगी। क्या मतलब? देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 कोट है ना, तो कोट नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होगा, रेड होगा, कुछ भी कर लो। तो पहले दिन आपने कोट 1 पहना, कोट 1 के साथ शर्ट 1 पहनी, शर्ट 1 के साथ ट्राउजर 1 पहना, ये एक आउटफिट है आपका। शर्ट 1 मतलब रंग आप कुछ भी दो ना, ब्लैक कोट था, व्हाइट शर्ट थी, ट्राउजर जो था वो ग्रे था, फॉर एग्जाम्पल। अब दूसरे दिन आउटफिट क्या हो सकती है? कोट 1 शर्ट 1 ट्राउजर 2। तीसरे दिन कोट 1 शर्ट 1 ट्राउजर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8। तो ये कितने आउटफिट बने? 8 आउटफिट बन गए, ठीक है? C1, S1, T1 इस तरह करते करते कितने बन जाएंगे? 8 आउटफिट बन गए। 8 दिन तक आप पहनो, अलग अलग हो गया, किसी भी दिन सेम चीज नहीं होगी। हाँ पैंट शर्ट सेम होगी लेकिन कोट डिफरेंट होगा, तीनों चीजें जो है वो हर दिन डिफरेंट होगी, सेम कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो, ठीक। अच्छा ये 8 बनी है। अब अगर आप बोलो फॉर एग्जाम्पल कोट 1 पहनो और शर्ट 2 पहन लो, अगेन शर्ट 2 के साथ ये 8 ऑप्शन होंगे, कि शर्ट 2 के साथ T1 फिर T2 करते 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 T8, तो दोबारा कितने ऑप्शन होंगे? 8 ऑप्शन हो गए। फिर आप S3 करोगे, फिर 8 ऑप्शन हो गए, 24 हो गए, फिर 32 हो गए, 7 शर्ट है ना, फिर 40 हो गए। फिर जब आप पांचवी शर्ट कंसीडर करोगे तो 40 है ना टोटल, फिर छठी करोगे 48, सातवीं करोगे तो 56। तो सिर्फ 56 ये बन गए, 56 कॉम्बिनेशन मैंने अरेंजमेंट आपको मैंने बता दिए, ठीक है। उसके बाद ये पहले दिन आपने कोट 1 पहना था, अब दूसरे दिन आप मतलब किसी और दिन आपने कोट 2 पहन लिया, अगेन कोट 2 के साथ अगेन यही सब चीजें होंगी। तो 56 अगर कोट 1 के साथ थे तो कोट 2 के साथ भी कितने होंगे? 56 होंगे। तो टोटल 6 है, तो 56 को आपने 6 दफा ऐड करना है, मतलब 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 336 आ रहा था वो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, अगेन 17 बहुत ही बच्चों वाला है, वही कॉन्सेप्ट है। अ मैन्युफैक्चरर मेक शर्ट इन 12 चॉइसेस ऑफ फैब्रिक्स, कि यार वो शर्ट बना रहा है उसके अंदर डिफरेंट चॉइसेस उसने दी हुई है, कि फैब्रिक के हिसाब से 12 फैब्रिक वाली शर्ट है उसके अंदर, तो नंबर ऑफ फैब्रिक्स, डिफरेंट फैब्रिक्स कितने उसके पास? 12 है, 12 किस्म के फैब्रिक है। अच्छा फिर ईच इन 8 नेक साइज, नंबर ऑफ नेक साइजेस, नहीं नेक साइज बड़ा अजीब लगेगा ना,
क्या अच्छा वर्ड होगा, नंबर ऑफ नेक साइज, चलो ये लिख देते हैं, ठीक माना जाएगा। पेपर में तो खैर मसला नहीं होता, वैसे ही मैं उस हिसाब से कह रहा था कि इंग्लिश तो भी ठीक हो। बहर नंबर और तीन स्लीव लेंथ के हिसाब से, तो नंबर स्लीव लेंथ कितनी है, तीन है। सो ये डेटा आपको गिवन है, करना क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट शर्ट्स फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरर मस्ट आर स्टोर कैरी टू हैव अ कंप्लीट स्टॉक। यानी वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को कल दी थी, कल मैंने आप लोगों को गाड़ियों की एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक शॉप पे जाते हो आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई पहले आप कार की बॉडी डिसाइड करो, फॉर एग्जाम्पल सेडान, हैचबैक, एसयूवी, जो भी इस बॉडी की स्टाइल है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया जाता है भाई कलर चूज करो, फॉर एग्जाम्पल आपने सेडान चूज कर ली, सेडान में तीन चार कलर आपको दिए, फॉर एग्जाम्पल सेडान में आपने रेड चूज कर ली। फिर आपको बताया जाएगा ऑटोमेटिक लेनी है मैनुअल लेनी है गियर के हिसाब से, आप बोलोगे मैंने मैनुअल लेनी है, तो सेडान ली, रेड ली, उसके अंदर मैनुअल ली, ये चॉइस बन रही है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी आप फैब्रिक किसी शर्ट की दुकान पे आप जा रहे हो तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है, आप बोलते हो कि यार मुझे शर्ट लेनी है, इसमें सवाल क्या पूछा गया था, हाउ मेनी डिफरेंट शर्ट ना, तो नंबर ऑफ शर्ट लिख देते हैं। तो अगर आप शॉप पे जाओ और आपको आप बोलोगे यार मुझे शर्ट चाहिए तो वो आपको तीन ऑप्शन देगा, सबसे पहले फैब्रिक डिसाइड करो, आपने बोला कॉटन, फिर वो कहेगा नेक साइज बताओ, आपने बोला भाई 15 सेंटीमीटर, अगर फिर उसने बोला स्लीव लेंथ बताओ, स्लीव लेंथ मुझे नहीं पता क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल स्लीव लेंथ को क्या कहते होंगे, पता नहीं मुझे नहीं पता स्लीव लेंथ, नेक साइज तो मुझे याद है अपना, स्लीव लेंथ क्या होती है वैसे पता है, फॉर एग्जाम्पल रैंडम को चाहते हैं 10 सेंटीमीटर स्लीव लेंथ, ठीक है। तो ये आपने डाटा दिया उसको, वो आपको शर्ट उठा के दे देगा। तो ये टोटल कितने किस्म की आप शर्ट उससे ले सकते हो वो आपको निकालनी है। तो अगेन वही कंसीडर करो आप कि 12 ऑप्शन है पहली चीज को, दूसरी चीज को 8 है, तीसरी चीज को 3 है, 12 × 8 × 3 ये क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24 होता है, 24 को 12 से करें 240 और लाल पे घूम रहे 240 और 48 288, तो आपके पास टोटल कितनी शर्ट्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ शर्ट्स जो है वो 288 हो जाएंगे। अगेन अगर आपने इस बात को समझना है तो कोई समझना मुश्किल नहीं है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल फैब्रिक वन आपने ले लिया, कॉटन ले लिया आपने, इस तरह लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉटन आपने डिसाइड किया, नेक्स्ट साइज में फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर का है वो, 15 सेंटीमीटर कितने नेक्स्ट साइज है, 8 है, तो फॉर एग्जांपल पहला नेक्स्ट साइज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 नेक्स्ट साइज है। अगर आप कॉटन फैब्रिक ले रहे हो नेक्स्ट साइज 8 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 सेंटीमीटर ले लिया, अब पॉसिबिलिटी क्या है स्लीव लेंथ की, तीन स्लीव लेंथ है, तो ये तीन ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं कि कॉटन 15 सेंटीमीटर और जो स्लीव लेंथ होगी, फिर कॉटन 15 सेंटीमीटर दूसरी स्लीव लेंथ, फिर तीसरी स्लीव लेंथ, ये तीन ऑप्शन होंगे, फिर इसके तीन ऑप्शन होंगे, इसके तीन ऑप्शन होंगे, इसके तीन ऑप्शन होंगे, तो तीन 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 8 दफा करोगे तो 24 हो जाएगा, तो सिर्फ कॉटन के 24 बन रहे हैं। इस तरीके से जो दूसरा फैब्रिक है उसके भी 24 बनेंगे, 12 फैब्रिक्स हैं, तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 288 आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है 3 प्राइजेस आर ऑफर्ड टू अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ प्राइज कितने प्राइजेस आपने देने हैं, 3 प्राइजेस देने हैं आपने, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में क्या लिखा है, इफ दे आर फॉर प्रोफिशिएंसी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, कि जो आपने प्राइज देना है ना वो आपने किस बेसिस पे देना है, प्रोफिशिएंसी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट है, आप कहते हो भाई फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे शार्प स्टूडेंट कौन सा है, 50 में से कोई एक होगा, आप उसको जाके अवार्ड दे दोगे। अब बात हो रही है केमिस्ट्री की, भाई केमिस्ट्री में 50 में से सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन सा है, कोई होगा आप उसको दे दोगे। और जरा इंपॉर्टेंट बात नोट करो, जिस बंदे ने पहले प्राइज लिया वो दोबारा भी ले सकता है प्राइज, क्यों, सब्जेक्ट डिफरेंट है, पहले उसने फिजिक्स में प्राइज लिया, मे बी वो केमिस्ट्री में भी अच्छा हो वो केमिस्ट्री में भी प्राइज लेगा, मे बी वो मैथ के अंदर भी अच्छा हो वो मैथ के अंदर भी प्राइज लेगा, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया भाई फर्स्ट प्राइज, अच्छा सेकंड प्राइज, ये मैं क्यों लिखवाता हूं ये जरूरी नहीं होता,
डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एज अ इवेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये तीन अलग इवेंट है, पॉसिबिलिटी निकालो फिर मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से थर्ड प्राइज है। अच्छा, ये जो फर्स्ट प्राइज है सब्जेक्ट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो पहला प्राइज है ये फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो मैथ के लिए था, ये दूसरा वाला प्राइज आपने देना है केमिस्ट्री के अंदर, तीसरा वाला प्राइज देना आपने फिजिक्स के अंदर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं है, ये अलग अलग किस्म के प्राइज है जो आपने तीन अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में देना है। क्योंकि अगला सवाल जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का है, जो सवाल उन्होंने मेंशन कर दिया है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले नहीं, ये हर अलग अलग हर सब्जेक्ट में एक देना है आपने, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होगा ही ना। तो फॉर एग्जाम्पल जो पहला प्राइज है वो फिजिक्स का प्राइज है, नोबेल प्राइज कर लेते हैं, नोबेल प्राइज फिजिक्स का नहीं होता। खैर, मैथ का जो होता है ना उसको फील्ड मेडल कहते हैं मैथ में। ये एक्चुअल में जो जिसका मुझे शौक है लेना इंशाल्लाह लूंगा भी। फील्ड मेडल एक प्राइज अवार्ड होता है मैथमेटिशियंस के लिए, और होता भी 40 से अंडर है, यंग मैथमेटिशियन जो जिनकी एज 40 से कम है, और आज तक कोई भी पाकिस्तानी वो प्राइज नहीं जीत सका। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम प्राइज जीतेंगे। खैर, तो इस तरह कंसिडर कर लो मैथ का जो है वो फील्ड मेडल है, फेस का भी कुछ होंगे मेडल जो भी। तो आपके पास 50 स्टूडेंट है भाई, 50 में से वो प्राइज आप किसी को भी दे सकते हो। तो आपके पास पहला प्राइज देने के कितने तरीके हैं? 50 तरीके, 50 में से किसी भी स्टूडेंट को। अब जिस स्टूडेंट ने पहले प्राइज दिए वो दूसरी दफा भी प्राइज दे सकता है, मे भी ब्रिलियंट हो, फिजिक्स में भी अच्छा हो, केमिस्ट्री में भी अच्छा हो, मैथ में भी अच्छा हो सकता है ना। बिल्कुल, तो सेकंड प्राइज में भी आपके पास 50 ऑप्शन है, मतलब इसमें से जो पहला बच्चा आ गया है ना वो दोबारा भी ले सकता है, तो अगेन आपके पास 50 बच्चे हैं। इसी तरह थर्ड प्राइज भी वो बच्चा ले सकता है। तो तीनों प्राइज देने के लिए 50 बच्चे हैं, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आप तीनों प्राइज एक ही बच्चे को देते जाके, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, तीनों सब्जेक्ट में वो अच्छा। ठीक है, तो इन तीनों इवेंट को परफॉर्म करने के कितने तरीके होंगे? 50 50 50 एक साथ देने हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 50 का क्यूब क्या होगा? जीरो कितने लगेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे ख्याल में 2 जीरो लगेंगे। 50 को 50 से करो ना तो 2500 आता है ना, 12500 अभी को सही किया मैंने, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। 12500 तरीके से आप प्राइस दे सकते हो, क्योंकि बच्चे ज्यादा है ना तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है। आप ट्री डायग्राम बनाओगे खुद ही आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब पार्ट नंबर टू क्या है? पार्ट नंबर टू क्या है? पार्ट नंबर टू है इफ दे आर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज फॉर प्रोफिशिएंसी इन द सेम सब्जेक्ट। अब सिचुएशन डिफरेंट है, अब सब्जेक्ट एक है फॉर एग्जांपल मैथ, प्राइज है आपके पास तीन, प्राइज के उन्होंने नाम बता दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये प्राइज आपको दे दिए। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट था मैथ के अंदर, उस टेस्ट में आपने देना जो सबसे अच्छे नंबर है उसको फर्स्ट प्राइज दोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब मैंने इसे प्राइज नहीं लिखा, ये बताने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में आप किसी भी सब्जेक्ट में जब प्राइज मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हो ना, तो मैंने उसी लैंग्वेज के अंदर लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ताकि ये बात यहीं से आपको क्लियर हो जाए यार एक ही सब्जेक्ट की बात की जा रही है। और जब एक सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो ये जहन में रख लो एक बच्चे को दो प्राइज नहीं मिल सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा फर्स्ट भी आ रहा है वो बच्चा सेकंड भी आ रहा है या वो बच्चा थर्ड भी आ रहा है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने फर्स्ट का प्राइज देना है तो किसी भी एक बच्चे को दोगे। अच्छा, इसमें प्रोवाइडेड कि कोई टाई वाला केस नहीं है, टाई मतलब किसी टेस्ट आपने लिया 100 का टेस्ट है दोनों बच्चे के 90 नंबर है तो दोनों को आपने पोजीशन देनी है, ये वो वाला सवाल नहीं है। इसमें हम थोड़ा आइडियल केस लेते हैं जो एक्सेप्शन वाली होती नहीं बातें नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल पहला प्राइज आपने देना है, 50 बच्चे हैं उसमें से किसी को भी आप दे दो। फॉर एग्जाम्पल बच्चा नंबर है हमजा, हमजा को आपने दे दिया, अब हमजा दोबारा अवार्ड नहीं ले सकता, हमजा को बाहर निकाल दो, हमजा फर्स्ट आ गया वो सेकंड नहीं आ सकता, तो हमजा के अलावा कितने बच्चे बचे? 49, 49 में से किसी को भी आप सेकंड प्राइज दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आमिल अकत, जो दूसरा बच्चा था वो आमिल अकत था, उसको आपने प्राइज दे दिया। अब हमजा और आमिल अकत, हमजा फर्स्ट आ गया आमिल अकत सेकंड आ गया, इसका मतलब इन दो के अलावा इन दो को आप निकाल दो, इनको प्राइस मिल गया अब इनको नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब थर्ड प्राइस के लिए कितने बच्चे बचे? 48। फॉर एग्जाम्पल वकार जगह को तीसरा प्राइस मिल गया,
तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक बच्चे को तीन प्राइज नहीं मिल सकते, तो दैट्स वाई पहले प्राइज के लिए 50 ऑप्शन है, किसी भी एक को आपने दे दिया तो आप कितने बच्चे बचे 49, क्योंकि वो बच्चा दोबारा प्राइज नहीं दे सकता, फिर आपने दे दिया 48 बनेंगे, सब एक साथ करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, और ये मल्टीप्लीकेशन मेरे अख्तियार में नहीं है तो मुझे अपना कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा, मेरे बैग के अंदर होगा, हम भी पढ़ते हैं, हमारी भी मास्टर है भाई। अच्छा जी, 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीजिए, 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 48, तो बच्चों ये आंसर आ रहा है 117600। नहीं यार, फिर मैंने ऊपर गलत किया होगा, फिर इतना अच्छा आंसर कैसे आ सकता है, 2500। हाँ मैंने गलत किया, 25000, 125000 होना चाहिए, मतलब 30 आएंगे इसे, मैं जरा कंफर्म कर लेता हूँ, 50 का क्यूब, हाँ 30 है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करता, नीचे फाइनल आंसर लिख देता हूँ, डब्बा बनाने में आसानी होगी, यहां पे हम वैसे ही लिख देते हैं इनको कि 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 48, नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे इतने तरीके से आप लोग प्राइस दे सकते हो सेम सब्जेक्ट के अंदर। सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्पैरोस, भाई 5 स्पैरो है, नंबर ऑफ स्पैरोस 5 है ऑन 3 ट्रीज, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज है भाई 3। लिखा है व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द चॉइस ऑफ अ ट्री, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कि जिसमें रिस्ट्रिक्शन टू चॉइस ऑफ ट्री ना हो, बता दो क्या मतलब है इसका। तो लिखा है हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल वन पर्टिकुलर स्पैरो बी अलोन ऑन अ ट्री, उसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ गया, वो अकेले बैठना चाहिए। स्पैरो होता क्या, स्पैरो में ख्याल में फाख्ता होती है, चिड़िया होती है, मेरे ख्याल में पता नहीं कोई इनमें से परिंदा है, वही समझ लो। तो मैं पार्ट वन करवाता हूँ आपको, पार्ट वन क्या है, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द चॉइस ऑफ अ ट्री, इसका मतलब जरा मैं समझाता हूं क्या मतलब है, मतलब क्या है भाई, कंसिडर कर लो आप एक परिंदा हो, आपके पास 3 दरख्त हैं, आप ग्रुप हो 5 परिंदों का, आपके दोस्त भी सारे परिंदे हैं, 5 परिंदे सारे, आपके पास 3 दरख्त हैं, आप कितने तरीके से दरख्त पे बैठ सकते हो, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द चॉइस ऑफ अ ट्री, कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी दरख्त पे बैठ जाओ, एक दरख्त पे 5 बैठ जाओ, एक दरख्त पे 3 बैठ जाओ, बाकी पे 2 बैठ जाओ, कि एक दरख्त पे 2 बैठो, दूसरे पे 2 बैठो, तीसरे पे 1 बैठ जाओ, भाई 5 तुम लोग परिंदे हो, किसी भी 3 को आपने चूज करना है, 5 एक ट्री पे बैठो, 4 एक ट्री पे बैठो, 5वां दूसरे ट्री पे बैठ जाए, 3 एक पे बैठो, 4 दूसरे पे बैठे, 5वां तीसरे दरख्त पे बैठ जाए, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी तरीके से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे यहां पे, नंबर ऑफ वेज ये होंगे कि भाई जो पहला स्पैरो है उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट स्पैरो। अच्छा देखो, चॉइस किसके पास है, चॉइस स्पैरो के पास है ना, नॉर्मली यहां पर स्टूडेंट गलती पता है करते हैं, मैंने शायद किसी स्टूडेंट की गलती निकाली थी, इस तरह उसने इस तरह लिखा था, अभी जो मैं लिख रहा हूं इस तरह लिख रहा हूं, ये हो जाएगा सेकंड स्पैरो, बताता हूं इसका क्या मतलब है, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ स्पैरो, सॉरी इसके 3 ही ऑप्शन है, और ये है 5वां स्पैरो। अभी मैंने ये सिचुएशन लिखी, उसने ये सिचुएशन लिखी थी, क्यों, उसने क्या किया था, उसने कहा था पहला ट्री, दूसरा ट्री, तीसरा ट्री, उसके सॉल्यूशन के मुताबिक पहले ट्री पे कोई भी 5 बैठ सकती है, दूसरे ट्री पे कोई भी 5 बैठ सकती है, तीसरे ट्री पे कोई भी 5 बैठ सकती है। ये सॉल्यूशन देखने में तो आपको लगता है सही, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि इसको प्रैक्टिकली लेके जाओ, चॉइस फाख्ता के पास है भाई, फाख्ता के पास चॉइसेस है, दरख के पास चॉइसेस नहीं है कि उस दरख के ऊपर 5 भाई ऑप्शन है, दरख के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन स्पैरोज के पास है, तो ये वाला सॉल्यूशन का मतलब ये है कि दरख के पास ऑप्शन है कि भाई 5 तरीके से वो बिठा सकते हैं, नहीं भाई दरख की औकात ही नहीं है, ये स्पैरो के पास ऑप्शन है, तो आप स्पैरो के रिस्पेक्ट से बात करोगे। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास उन्होंने एग्जांपल करवाई थी वो गेस्ट वाली कि 6 रूम है
और तीन गेस्ट हैं, तो भाई उसका सॉल्यूशन ये था ना, छह अगर उसमें आप कंडीशन लगा देते कि आप एक रूम में दो भी आ सकते हो तीन भी आ सकते हो, तो फिर पता क्या बनता कि पहले गेस्ट के पास छह ऑप्शन है, दूसरे के पास भी छह ऑप्शन है, तीसरे के पास भी छह ऑप्शन है। लेकिन इसका दूसरा सॉल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि आप बात करो रूम के हिसाब से, रूम के हिसाब से क्या करो, थ्री 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 इस तरह कर दो कि बोलो कि भाई पहले रूम के पास तीन ऑप्शन है कि तीन गेस्ट को उसमें बिठाना है, दूसरे रूम के पास तीन ऑप्शन है, भाई रूम के पास ऑप्शन नहीं होते, ये आपने समझना है, आपने देखना है ऑप्शन है किसके पास, तभी कहा था सवाल को आपने समझना है, अगर सवाल को समझ लिया फिर ये मसला हो गए। तो अगर आप सवाल को सही तरीके से समझो ना, तो मैंने तभी बोला था आप कंसीडर करो आप परिंदे हो और आप दरख्त पे बैठने लगे हो, अब आप गए हो बैठने के लिए, आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑप्शन परिंदों के पास है, तो वही मैंने बात की, पहला स्पैरो जो है उसके पास तीन ऑप्शन है, भाई तीन में से किसी भी दरख्त के ऊपर बैठ सकता है वो, फिर दूसरा स्पैरो आया उसके पास भी तीन ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों एक साथ बैठ जाओ भाई, किसने रोका, दोनों अलग बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तीन ऑप्शन है उसके पास, फिर तीसरा आया उसके पास भी तीन ऑप्शन है, चौथा आया उसके पास भी थ्री, पांचवा आया उसके पास भी थ्री, भाई सबके पास थ्री ऑप्शन है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ये हो जाएगा थ्री की पावर फाइव, और बच्चों थ्री की पावर फाइव होती है 243, तो दो 243 चॉइसेस हैं, ट्री डायग्राम बना के आपको दिया, बना लेना पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अच्छा जी दूसरा केस क्या था, 9 दूसरा था इन हाउ मेनी वेज दीज हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल वन पर्टिकुलर स्पैरो बी अलोन ऑन अ ट्री, इफ वन स्पैरो इज अलोन ऑन अ ट्री, अब इसमें क्या होगा, भाई देखो जो पहली है, जो स्पैरो है ना वो बहुत धड़ाकू है, उसने बोला कि भाई मैं अकेले बैठूंगी, मैं किसी के साथ दरख्त अपना शेयर नहीं करूंगी, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली स्पैरो है, फर्स्ट स्पैरो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच है ना, तो जो पहली है उसके पास तीन ऑप्शन है, वो है भाई यहां पे बॉस उसकी मर्जी चलेगी, वो कहेगी भाई मैंने तीन में से किसी भी दरख्त पे बैठ जाना है, तो उसके पास कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल वो पहले दरख्त पे बैठ गई है, अब उसने बोला कि मैं किसी और को नहीं बैठने दूंगी, तो ये समझ लो पहला दरख्त जो है वो तो खत्म हो गया, वो उस पर बैठ गया, वो किसी और को बैठने नहीं देगी, तो जो सेकंड स्पैरो आएगी उसके पास एक दरख्त का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस पर वो ऑलरेडी बैठी हुई है, अब बेचारी सेकंड के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, सेकंड स्पैरो किसी भी दो पे बैठ सकती है, सेकंड स्पैरो जो है और जो बाकी है वो सब अच्छी स्पैरोज है, घुल मिलकर रहने वाली है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली स्पैरोज है वो, तो उनको कोई मसला नहीं है, उनको सब एक दरख्त पे बिठा दो या अलग कर दो जोड़ी जोड़ी बना के दो स्पैरो दूसरे दरख्त पे, दो स्पैरो तीसरे पे, एक तो ऑलरेडी बैठ गई है ना, तो दो दो करके पांच पूरी कर ली आपने, उनको कोई इशू नहीं है, एक साथ बिठा दो अलग बिठा दो, कोई मसला नहीं, तो सेकंड स्पैरो उसके पास दो ऑप्शन है, किसी भी दो दरख्त पे बैठ सकती है, अब फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्पैरो आप हो, आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, भाई पहले वाले दरख्त पे तो नहीं बैठ सकती, वो उसने मना किया, जो बाकी दो दरख्त है फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाली जो है वो दूसरे दरख्त पे बैठी है, तो अब आपके पास भी दो ही ऑप्शन है, आप दूसरे वाले दरख्त पे जाके बैठ जाओ क्योंकि वो मना नहीं करेगी, वो अच्छी वाली स्पैरो है, तो मना नहीं करेगी, आप तीसरे पे भी बैठ सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, फोर्थ स्पैरो को, भाई जो दूसरी वाली स्पैरो है वो दूसरे दरख्त पे बैठी है, तीसरी वाली स्पैरो तीसरे दरख्त पे बैठी है, फॉर एग्जाम्पल आप चौथी स्पैरो, अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरे पे बैठ सकते हो तीसरे पे, क्योंकि दूसरी वाली तीसरी वाली दोनों अच्छी है, वो दोनों आपको जगह दे सकती है, अगेन दो ऑप्शन है। इसी तरह पांचवी वाली स्पैरो उसके पास भी कितने हैं, दो ऑप्शन है। इस तरह सवाल को समझोगे तो समझ आ जाएगी। तो फोर्थ और ये फिफ्थ स्पैरो, तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका, मल्टीप्लाई कर दो भाई, सिंपल सब एक साथ बैठेंगे ना, तो ये हो जाएगा थ्री टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर फोर, टू की पावर फोर होती है 16, 16 को जब आप थ्री से करोगे तो ये हो जाएगा 48, उसका मतलब 48 तरीकों से आप इस तरीके से बैठ सकते हो। तो देखो जब एक ने कीड़ा किया कि यार मैं अकेले बैठूंगी, तो चॉइसेस कितनी कम होगी ना, तभी कहते हैं घुल मिलकर रहना चाहिए। अच्छा